दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व आईपीएस अधिकारी डॉक्टर करुणा सागर कांग्रेस में हुए शामिल। जहां पताई चली कि लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी मजबूत होते हुए नजर आ रही है। जहां आपको पताई चली कि तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी रहे करुणा सागर ने बुधवार यानी कि 1 मई को दिल्ली में आरजेडी छोड़ कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। बिहार के रहने वाले करुणा सागर आरजेडी में प्रवक्ता पद पर थे। रोचक बात यह है कि आरजेडी और कांग्रेस बिहार में गठबंधन में। कांग्रेस में शामिल होने के बाद करुणा सागर ने कहा कि आज मेरी जिंदगी का अहम दिन है। इस दिन को अहम बनाने के लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बिहार कांग्रेस के प्रभारी मोहन प्रकाश का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मेरे पिता सरकारी सर्विस में थे, गांधीवादी थे, पूरी जिंदगी खादी पहनी, उनके विचारों की एक छाप मेरी जिंदगी में रही। दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास की पढ़ाई की, फिर तमिलनाडु में पुलिस की नौकरी की। मेरी विचारधारा हमेशा से प्रगतिशील विचारधारा रही है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करते हुए काफी ज्यादा खुशी हो रही है। की एक बहुत छाप मेरी जिंदगी में रही है। उसके बाद जो हमने पढ़ाई की दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास की पढ़ाई की और फिर तमिलनाडु में पुलिस की नौकरी की, तो मेरी विचारधारा हमेशा से प्रगतिशील रही। प्रगतिशील विचारधारा का पठन पाठन रहा और नौकरी भी वो पेरियार की भूमि में की, जहाँ पर सामाजिक न्याय सरकारी सिस्टम में गुथा हुआ है और पूरी राजनीति को चलाता है। तो इसलिए चूंकि मैंने कहा इतिहास का विद्यार्थी हूँ, मुझे आज गूज बम्प्स हो रहे हैं ये देखिए, क्योंकि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है, आधुनिक भारत का जो इतिहास है और कांग्रेस का इतिहास है, दोनों में अनोन्याश्रय संबंध है, दोनों इंटरट्वाइंड है। तो आज जो पार्टी 1885 में शुरू हुई थी, उस पार्टी को आज ज्वाइन करते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। और जैसा आज देश का माहौल है, इस समय जब संविधान खतरे में है, नागरिक अधिकार खतरे में है, हम ब्यूरोक्रेसी से आते हैं और ये बात बड़ी जिम्मेवारी से कह रहे हैं कि हमारी तरफ बहुत सारे ब्यूरोक्रेट जो सर्विस में हैं अभी,